देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा तुम लोग लास्ट वाले असाइनमेंट का, इससे पहले वाले असाइनमेंट का, जो हम लोग रेप नेम्स कैलकुलेट किए थे, जो रेप नेम्स कैलकुलेट किए थे, वो तुम लोग इंडेक्स मैच मैच से ट्राई किया तुम लोग ने? किसका किसका आया आंसर? आया तुम लोग का आंसर आया इंडेक्स मैच मैच से? जिसका नहीं आया वो वापस ट्राई करके आना कल, जिन्होंने नहीं किया ट्राई। हमने क्या किया था, मैक्सिमम सेल्स वैल्यू निकाल के कॉरेस्पॉन्डिंग रेप नेम कैसे निकाला था, दो कॉलम अलग अलग बना के। तुम लोग को अब डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी कॉलम एक फंक्शन यूज़ करना है इंडेक्स मैच मैच बना के, मैक्सिमम का खाली निकाल लेना, मिनिमम अगर मैक्स एक निकालोगे तो वो दूसरा भी निकाल सकते हो। मतलब खुद से ट्राई करना, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको। एक बार डिस्कस कर लेंगे तो तुम लोग फिर खुद से ट्राई नहीं करोगे। क्या है क्वेश्चन पहला? यूजिंग वी लुकअप फाइंड द बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन कंट्री कोड्स इन शीट थ्री। ये मेरा शीट थ्री है, यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, कंट्री कोड्स दिए हुए हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, बर्थ रेट और इंटरनेट यूजर्स चाहिए। ये मेरा टेबल था, यहाँ से मुझे एक्सट्रैक्ट करने है वैल्यूज। तो वी लुकअप यूज़ करने बोला है, बताओ कैसे करेंगे। वी लुकअप पहला क्या है, लुकअप वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट करेंगे, क्यों ड्रैग करना है। ठीक है, टेबल आ रही कौन सा है मेरा, ये मेरा पूरा टेबल आ रही है। कहाँ से टेबल सिलेक्ट करेंगे, कंट्री कोड से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्यों नहीं। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू शुड बी द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द टेबल, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया मैंने, टेबल सिलेक्ट किया। नेक्स्ट क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए। तो अभी देखो मैं उस शीट में वापस नहीं जा रही हूँ, जा भी सकते हैं बिकॉज मैंने कॉमा दे दे यहाँ पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पे जब मुझे दिख रहा है मेरा इक्वेशन पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्यों हम वापस जाएँ उधर, क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम से चाहिए मुझे, सेकेंड कॉलम इस टेबल का कौन सा कॉलम है, जो सिलेक्टेड टेबल है उसका कौन सा कॉलम है, टू है सेकेंड है, फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। मैच हुआ आंसर्स, सारे आंसर्स मैच होने चाहिए, देख लो नहीं हुआ मैच, सबका हो गया ना। सिमिलरली क्या करेंगे, इंटरनेट यूजर्स करेंगे, सिमिलरली सेम इक्वेशन बनेगा। अभी थ्री लिखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर में, क्योंकि थर्ड है ये वाला, इंटरनेट यूजर्स कॉमा फॉल्स, मैच कर लो आंसर्स। बहुत इजी था, हो गया था ना सबसे ये वाला। एक और चीज हमने क्या नहीं किया, हमें ये टेबल को एब्सोल्यूट करना था। यहाँ पे आंसर्स में भी आ जाए ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने वैल्यूज निकाले ये नीचे से है, बट देन ये एब्सोल्यूट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं। यहाँ पे मे बी मैच हो गया बिकॉज उससे फ़र्क नहीं पड़ा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, तो एब्सोल्यूट करके ड्रैग करना। तुम्हारा तुम फॉल्स नहीं लिखा है फिर भी आ रहा आंसर, तो ऐसा हो सकते आ सकते आंसर वो फिर। ठीक है देख रहे हैं, एब्सोल्यूट कर देना टेबल आरी को, टेबल आरी को एब्सोल्यूट कर देना। टेबल आरी को प्लीज एब्सोल्यूट कर देना ठीक है।
क्लियर हुआ ये आंसर सबका मैच हुआ है ना. नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो शीट में अगर एक और शॉर्टकट सीखना है तो कैसे नेविगेट करते हैं. कंट्रोल पेज अप करोगे तो पहले वाले शीट में जाएंगे, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट शीट में जाएंगे. करो तो कंट्रोल पेज अप करेंगे तो पहले वाले शीट में पहुंच गए. ठीक है, तो ये भी एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो. और तुम लोग को बहुत, अगर तुम लोग शॉर्टकट्स तुम लोग को यूज़ करना आना चाहिए वैसे तो. ऑल्ट जब हम लोग प्रेस करते हैं ना, ऑल्ट, तो देखना ये अपने आप यहाँ पे अल्फाबेट्स आ गए लिखे हुए. तो अब हम लोग जब होम में है, सपोज मुझे डेटा टैब में जाना है, तो ए प्रेस ए नहीं ऑल्ट प्रेस किया तो सारा लिखा हुआ आ गया तो मुझे पता चल जाएगा. तो सिंपली फिर ए प्रेस करो. ए प्रेस करोगे तो डेटा टैब खुल गया. अब मुझे वॉट इफ खोलना है तो वॉट इफ में क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू. फिर मुझे गोल सी खोलना है तो जी. तो ये जो पूरा था ना, ऑल्ट फिर ए फिर जी डब्ल्यू फिर जी, तो ये जो पूरा है, अगर तुम लोग अभी क्या करोगे जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो ये ऐसे धीरे धीरे ट्राई करना. ऑल्ट करना, फिर ये ए आया तो ए प्रेस करना, फिर डब्ल्यू प्रेस करना, तो क्या होगा ना, वो याद हो जाएगा. फिर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हमें याद हो जाएंगे, जैसे गोल सी के याद हो जाएगा. ठीक है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है. फिर ये टैब्स का याद हो जाएगा, डेटा टैब के लिए क्या था, ए था. होम के लिए क्या है, एच है. तो याद हो जाएगा अगर तुम लोग ये यूज़. तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम लगेगा कि क्यों ऑल्ट करके क्यों धीरे धीरे कर रहे हैं, बट देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जॉब के लिए जाते हो वहाँ कंपनीज में, सब देखोगे सब लोग इतना फटाफट फटाफट एक्सेल यूज़ कर रहे हो कर रहे हैं, तब तुम लोग को भी लगेगा कि मुझे भी आना चाहिए था. अभी से हैबिट बनेगा तो ऑलमोस्ट कितने सारे फीचर्स याद हो जाएंगे, शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे. ठीक है, घर पे आज से, घर पे ऐसे ट्राई करना तुम लोग, तब होगा. ठीक है, तब धीरे धीरे सीख जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इंडेक्स मैच मैच फाइंड द बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स फॉर द गिवन कंट्री कोड्स, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो मैंने ऐसे बना के दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, ऐसा बना के दिया तुम लोगों को. कंट्री कोड रेट्स आंसर ये मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी बना के. बेसिकली क्या करने बोला है, ये सारा कंट्री कोड्स है, ये दोनों मेरा बर्थ रेट इंटरनेट यूजर्स है. तो अब मुझे इन सारे कंट्री कोड्स का बर्थ रेट इंटरनेट यूजर्स एक्सट्रैक्ट करना है बाय क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. ठीक है, फर्स्ट स्टेप करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें दोनों का बर्थ रेट. इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ रेट्स लिखा है, यहाँ पे इंटरनेट यूजर्स है उसका भी. हमने जब क्लास में इंडेक्स मैच मैथ सीखा था, हमने नेम्स का भी ड्रॉप डाउन बनाया था और इंग्लिश मैथ्स मार्क्स का भी ड्रॉप डाउन बनाया था, दोनों का बनाया था. तो यहाँ पे भी हम दोनों का बना रहे हैं. ये चीज़ क्लियर हुआ, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है. ऑल्ट फिर क्या करेंगे, कहाँ कौन से टैब में होता है बोलो, डेटा वैलिडेशन, ए वी फिर बोलो वी. यहाँ पे लिस्ट सोर्स, मेरा ये पूरा सोर्स आ जाएगा. यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया. रेट्स में भी सिमिलरली ड्रॉप डाउन क्रिएट करो. दोनों दोनों रेट का ड्रॉप डाउन, फिर उससे हम लोग सिलेक्ट करेंगे. सोर्स में ये सारा, रेट्स में ये दोनों सिलेक्ट कर लो, बर्थ रेट इंटरनेट यूजर्स. ठीक है, सोर्स में देखना एक बार. यहाँ पे सब लोग यहाँ ध्यान दो प्लीज, रेट में ये बर्थ रेट और इंटरनेट यूजर सिलेक्ट कर लो. ठीक है, दो ड्रॉप डाउन मैंने क्रिएट कर दिया है. अब इंडेक्स मैच मैच तुम लोग बताओगे, कुशल बताएगा पूरा इंडेक्स मैच मैच. नहीं, कौन कॉन्फिडेंटली पूरा बता सकते हैं विदाउट अपना फंक्शन देखे. तुम लोग खुद से करके आए होगे, पर एकदम कौन, एक भी अटका अगर तुम पूरा कॉन्फिडेंटली बताने, कौन तुम बता सकते हैं. ठीक है, चलो सब लोग ने किया ड्रॉप डाउन क्रिएट. अब बताएगा ये इंडेक्स फंक्शन कैसे यूज करते हैं.
इंडेक्स, ये पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए किया मैंने, नहीं हुआ क्या? सिलेक्ट किया, फिर रो नंबर चाहिए। ये बहुत सही से समझा रहे हैं, रो नंबर चाहिए तो कॉलम सिलेक्ट करेंगे। कॉलम सिलेक्ट करेंगे मतलब ये वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा? लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए मैच फंक्शन के अंदर? लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए? कंट्री कोड होना चाहिए मेरा लुकअप वैल्यू, बिकॉज रो नंबर के लिए कॉलम सिलेक्ट करना है। और कॉलम में क्या आ रहा है मेरा? कंट्री कोड्स कॉलम में दिए हुए हैं, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, ये वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक चीज़ गलत हो गया। एक चीज़ क्या गलत हुआ यहाँ पे? टेबल तो मैंने ये पूरा A1 से सिलेक्ट किया है, देख रहे हो यहाँ पे, पर ये जो कॉलम मैंने B2 से सिलेक्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रो नंबर आएगा वो अकॉर्डिंग टू B2 से लेके एंड तक का आएगा, बट इन लोग अप्लाई करेंगे A1 से। क्लियर हुआ क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पे मयूर? क्लियर हुआ? टेबल तुम कहाँ से सिलेक्ट किए? A1 से, ठीक है। मैच के अंदर हम लोग B2 से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ का जो टू इस वाले पूरे कॉलम का जो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, वो जो हमने टेबल ओरिजिनली सिलेक्ट किया उसका थर्ड कॉलम, थर्ड रो है, तो ये चीज़ गलत हो सकता है, तो इसको B1 कर देंगे। फाइनली क्या होगा? जीरो मैच टाइप। नेक्स्ट क्या होता है मेरा? कॉलम नंबर, कॉलम नंबर के लिए क्या सिलेक्ट करना होता है? रो सिलेक्ट करना होता है, रो सिलेक्ट करना होगा। वापस मैच लिखेंगे, बर्थ रेट लुकअप वैल्यू मेरा, फिर से पूरा ये वाला। अब अगर यहाँ से सिलेक्ट करते हो कंट्री कोड से, तो भी गलत आएगा। पूरा टेबल जो है उसको लेके मुझे डील करना है। कॉमा जीरो मैच कर लो आंसर्स, चेंज करेंगे यहाँ से, मैच करते हैं। हाँ सही है, चेंज करेंगे अपने वैल्यूज़ को, तो मेरा देख लो इंडेक्स टेबल में पूरा टेबल आया। नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर चाहिए मुझे रो नंबर, रो नंबर के लिए कॉलम सिलेक्ट करना होता है। कॉलम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? पूरा कंट्री कोड वाला कॉलम। कॉलम कैसे सिलेक्ट होता है? कॉलम कैसे सिलेक्ट होता है? ये पूरा यहाँ से कंट्री कोड से, यहाँ से मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर। जैसा टेबल सिलेक्ट करो वैसे ही सिलेक्ट करना है सब कुछ। अगर टेबल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया होता, तब हम लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट करते, कंट्री कोड्स को यहाँ से सिलेक्ट करते, डिपेंडिंग कि मैंने इंडेक्स फंक्शन में कैसे अपना टेबल यूज़ किया है, टेबल सिलेक्ट किया, वैसे ही मेरा मैच फंक्शन के अंदर जाएगा। देख लो, और ये जो शॉर्टकट वाला चीज़ है घर पे ट्राई करते रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इम्पॉर्टेंट बाद के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हमेशा काम आएगा। ये सब चीज़ बेसिकली सीखने से क्या होगा ना, स्टैंड आउट करोगे। तीन जन है, तीनों को एक्सेल आते हैं, पर उसे शॉर्टकट्स नहीं आता, ठीक है, तो इसीलिए। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है हाथ उठाओ। रो नंबर के लिए कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कॉलम नंबर के लिए रो सिलेक्ट करते हैं, ये अगर समझ जाओगे तो आराम से बना पाओगे। अब शीट 1 का भी तुम लोग घर जाके बनाना, वो रेप नेम्स इंडेक्स मैच से करना। नेक्स्ट करें, थर्ड क्वेश्चन करें, ये वाला हो गया तो सबका हुआ। यहाँ पे तुम्हारा सिद्धार्थ हुआ, ठीक है, तुम लोग का सबका हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, रेफरेंस एरर आ रहे हैं। टेबल सिलेक्ट किया पहले अच्छे से, मैच के अंदर ये लुकअप वैल्यू है पहला, ये वाला लुकअप वैल्यू कंट्री कोड, फिर उसके बाद क्या किया, कौन सा कॉलम सिलेक्ट किया? ये पूरा कंट्री कोड वाला कॉलम सिलेक्ट किया, कॉमा जीरो,
फिर वापस मैच फंक्शन में, ये है मेरा लुकअप वैल्यू, फिर वापस फर्स्ट। हाँ ठीक है, हम देखते हैं फिर, सेम है तो देखना पड़ेगा। बाकी सबका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैलिडेट दैट द कंट्री कोड्स कॉलम, जो मेरा कंट्री कोड्स वाला कॉलम है, ऑलवेज कंटेन्स थ्री लेटर्स एंड गिवन अप्रोप्रिएट मैसेज। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरा कंट्री कोड वाला कॉलम है, इस कॉलम में सिर्फ थ्री लेटर्स ही अक्यूमिडेट होगा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। उसे वैलिडेट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना इज़ द फर्स्ट स्टेप। कहाँ जाते हैं, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कैसे जाएंगे, ऑल्ट बोलो, ए बोलते रहो मेरे साथ, ए वी वी, ठीक है, ऑल्ट ए वी वी। फिर टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट का लेंथ बिटवीन होगा क्या, नहीं, इक्वल टू वॉट, थ्री, वेरी गुड। इनपुट मैसेज डालने बोला है क्वेश्चन में, इनपुट डालेंगे कंट्री कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं जो ये बोल रहा था लास्ट क्लास, वैसे नहीं। शुड क्या बोला था, ये ध्यान किधर है, शुड बी ऑफ थ्री लेटर्स, थ्री अल्फाबेट्स बेसिकली, ठीक है, अल्फाबेट्स नहीं बोलते, लेटर्स ही बोलते हैं। एरर नहीं कर रहे हम, तुम लोग कर सकते हो एरर भी टाइप, अभी दिखाने के लिए तुम लोग को पता होना चाहिए, एरर भी करते हैं, कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ और टाइप करने का ट्राई करें, एरर आया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सबका हो गया था, कोई भी दिक्कत पूछ लो अभी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, हो गया। नेक्स्ट, सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द इनकम ग्रुप, लास्ट क्लास ही किया था ये वाला, कैसे करते हैं हम लोग सॉर्ट, ऑल्ट बोलो, कहाँ जाएंगे, होम टैब, हाँ सॉर्टिंग में टेबल, टेबल सिलेक्ट, टेबल पे, मतलब मेरा एक जो सेल है वो टेबल में होना चाहिए, सेल सिलेक्टेड, हाँ अपने आप आ जाते हैं ना फिर ऑप्शंस। फिर क्या करेंगे, एस, फिर कस्टम करना है मुझे यू, ठीक है, तो सॉर्ट बाय इनकम ग्रुप, सॉर्ट बाय इनकम ग्रुप, यहाँ पे कस्टम करना है मुझे, कस्टम लिस्ट नहीं किया था मैंने सिलेक्ट, अच्छा यहाँ पे ये तुम टाइप किया था हमने, हाई इनकम टाइप करना पड़ेगा ये पूरा चीज़, हाई इनकम कॉमा अपर मिडिल इनकम कॉमा लोअर मिडिल इनकम कॉमा, स्पेस दे सकते हो, स्पेस स्पेस नहीं दे सकते, टैब कर सकते हो, एंटर कर सकते हो या कॉमा दे सकते हो, स्पेस नहीं दे सकते बिकॉज इसमें ऑलरेडी स्पेस है, तो हर एक के बीच में या तो कॉमा दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हो या फिर टैब, कॉमा इज़ बेटर, या फिर एंटर कर करके लिख सकते हो जैसे चाहिए। अगर तुम लोग लो से हाई गए हो, हाई से लो आए हो, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो कैसे भी कर सकते हैं। ओके किया, सॉर्ट हो गया डेटा मेरा, हाई इनकम अपर मिडिल लोअर मिडिल लो इनकम, क्लियर, सॉर्टेड एकदम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। फॉर्मेट द सेल्स विच कंटेन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स। हाईएस्ट डिनोट करना है रेड से एंड ग्रीन से डिनोट करना है मुझे लोएस्ट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है पूरा कॉलम सिलेक्ट करना, बर्थ रेट एंड इंटरनेट यूजर्स जो कॉलम है, मुझे दोनों कॉलम में रिस्पेक्टिवली हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाला सेल को सिर्फ हाईलाइट करना है, एक एक सेल सिर्फ हाईलाइट होगा दोनों में। फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम, फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑल्ट एच फिर एल, ऑल्ट एच एल, उसके बाद न्यू रूल करें, न्यू रूल करते हैं, यहाँ पे तुम लोग बताओगे बोलो, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक सेल्स, टॉप मोस्ट, यहाँ पे क्या करें, बंद कर दें इसे, फॉर्मेट में देखते हैं कौन सा फॉर्मेट आ रहा है,
मुझे खाली फिल चाहिए इसका, हाईएस्ट किससे करना था? रेड से, तो रेड सिलेक्ट करते हैं। ओके, मेरा ओके। देख लो ये वाला हाईएस्ट आ रहा है क्या सबका, 49.661 बर्थ रेट में, 49.661। सिमिलरली हम लोग लोएस्ट करेंगे ऑल्ट एच एल एन, 3 4 बार करोगे ना याद हो जाएगा, ऑल्ट एच एन एल। उसके बाद हम जाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे बॉटम वन। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है मेरे से पूछो। ग्रीन करना था ना, कोई भी ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। कलर देखो, कलर नंबर देखो, 7.9। एक और 7.9 है, ठीक है दोनों जगह आएगा। फिर ये हो गया बर्थ रेट का। सिमिलरली इंटरनेट यूजर्स का कर सकते हो मेरे, बस मुझे आंसर बताओ लोएस्ट क्या आ रहा है? 0.9 लोएस्ट आ रहा है, और हाईएस्ट क्या आ रहा है सबका? आ रहा है 96.5। 0.9 इज द लोएस्ट, हाईएस्ट इज 96 पॉइंट समथिंग। आया स्नेहा, घर से करके नहीं आई? मतलब हाँ, तो अभी क्या होगा? कंट्रीज अल्फाबेटिकली हो जाए, कस्टम सॉर्ट किए, फिर यहाँ पे ऐड लेवल करेंगे। पहले सॉर्ट बाय दिस होगा, देन बाय कंट्री नेम। ठीक है, तो पहले सॉर्ट हुआ हाई इनकम लो इनकम वैसे करके, फिर हाई इनकम में अल्फाबेटिकली, फिर अपर मिडिल में अल्फाबेटिकली, एंड सो ऑन। ठीक है, देख लो सबका आंसर्स आ गया ना, पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब तुम लोग घर पे प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 करोगे, ये हो जाएगा तुम लोग से, और 4 करोगे, 4 भी हो जाएगा, एंड इनफैक्ट 5 भी हो जाएगा। तो ये तीनों करके आना कल, तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन ही है सब में, तो इसको करके आना कल के लिए। ठीक है, मैंने अभी वापस सॉर्ट किया एक और अल्फाबेटिकली। ठीक है, सबका आया आंसर अभी तक, पांचों क्वेश्चन सॉल्व हुए। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी पांच इस पांचों क्वेश्चन में, कल के लिए क्या क्या करके आना है? ये तीनों शीट करके आने हैं, एंड ये वाले शीट में जो रैप नेम्स निकाले थे, ये रैप नेम्स कैसे निकालोगे अभी? इंडेक्स मैच मैच यूज़ करके। ठीक है, ये 4 चीज़ करके आने हैं कल। ठीक है, 11 o'clock इज द क्लास। नहीं,